दिख गया दिख गया, आप दिख गया। हाँ हाँ पीछे रंगीन बन गया है, वाओ चल यस ग्रेट। स्टार्ट करें। यस डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स। इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ, यू वुड हैव नो डिजायर टू डू एनीथिंग। व्हाट वुड बी द पॉइंट इन क्राफ्टिंग अ पेंटिंग इफ नो वन कुड सी इट? व्हाट वुड बी द पॉइंट इन कंपोजिंग म्यूजिक इफ नो वन कुड हियर इट? व्हाट वुड बी द पॉइंट इन इन्वेंटिंग एनीथिंग इफ देयर वाज नो वन टू यूज इट? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. So, आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर है मैजिकल रिलेशनशिप। तो इसमें रोंडा बोल रही है कि सोचो कि आप सिर्फ एक अकेले इंसान होते इस धरती पे, तो आपकी कुछ भी इच्छा नहीं होती करने की। आप कोई पेंटिंग नहीं बनाते क्योंकि उसको देखने वाला नहीं होता। आप गाना नहीं गाते या कोई गाना नहीं बनाते क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। आप कोई भी चीज करने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए कोई भी नहीं होता। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं कर सकते, पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं मिलता। तो आपके जीवन में कोई भी प्लेजर, कोई भी जॉय होता ही नहीं। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude and start magically changing your life. So, जब आप लोगों से मिलते हो, उनके साथ बातें करते हो, उनके साथ अपनी खुशियां शेयर करते हो, उनके साथ अपने जीवन का मतलब शेयर करते हो, उनके साथ अपने जीवन का उद्देश्य शेयर करते हो, वो जो रिलेशनशिप होते हैं वो ही आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं और उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको अपने सपनों की जिंदगी चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके रिश्ते दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं, और ये सबसे पावरफुल चैनल है ग्रैटिट्यूड को चालू करने का। याद हो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज हेविली डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। समझ, आपके जीवन की क्वालिटी आपके रिश्तों की क्वालिटी पे डायरेक्ट निर्भर करती है। Science is now confirming the wisdom of great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate, and if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. So science ने confirm कर दिया है कि जो लोग gratitude को practice करते हैं उनके रिश्ते अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही उम्दा होते हैं, बहुत ही fantastic होते हैं। पर अगर आप एक शिकायत करते हो किसी दूसरे इंसान के बारे में, या ऐसा सोचते हो, या गलत सोचते हो, या गलत बोलते हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो रिश्ता फिर ठीक हो, तो उसके लिए आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी पड़ती हैं, 10 नियामतें लिखनी पड़ती है। अगर आप 10 नियामतों से कम करोगे तो एक कंप्लेन आपके रिश्ते पे बहुत भारी पड़ जाएगी, वो रिश्ता चाहे आपकी शादी हो। एनीवेज ये नेगेटिव चीज है, इसको नहीं पढ़ रहा, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कंप्लेन आपके जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and complaints you had in your relationships will disappear, because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person.
You won't criticize, complain about them, or blame them, because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. So gratitude आपके हर एक रिश्ते को बहुत सुधारता है। अगर आपको gratitude सुधारना है किसी भी रिश्ते में, आपको खुशियां चाहिए, आप चाहते हो कि आपके रिश्तों में अच्छी चीजें हों, तो आपको gratitude लेना सीखना पड़ेगा, आपको उसमें gratitude feel करना पड़ेगा। और gratitude सिर्फ आपके रिश्तों को नहीं बदलता, वो आपको भी बदल देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइप का टेम्परामेंट है आपका, पर जब जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी काइंडनेस, आपका कंपैशन, आप में दया आएगी, आप में एक अच्छा इंसान जगेगा, और तब आप अपने आप को पहचानने लगोगे। जो आपको छोटी छोटी चिड़चिड़ मस्ती है ना, जिससे आप इरिटेट होते हो, आप शिकायत करते रहते हो, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सारे आपके जीवन से चले जाएंगे। क्योंकि जब जब आप दूसरे इंसान के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो आप उस इंसान में कुछ बदलना नहीं चाहते, आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो, वो जैसा भी है। आप क्रिटिसाइज नहीं करते हो, शिकायत नहीं करते हो, उन पे उंगलियां नहीं उठाते, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस भैया। ओके, सो आप क्रिटिसाइज और कंप्लेन नहीं करते, आप उनको ब्लेम नहीं करते, आप बहुत बिजी होते हो उनके लिए ग्रेटफुल होने में, और इनफैक्ट आप उनके बारे में सिर्फ अच्छी चीजें देखते हो जब आप कंप्लेन नहीं करते। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder. Next, पढ़ लो आगे। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It's your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and treasures, teachers of the world, have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? So, आपके शब्द में बहुत ताकत होती है। आपके शब्दों में, आपके विचारों में बहुत 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 बड़ी ताकत होती है। और जब जब आप कंप्लेन करते हो, तो आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, आप एक सफरिंग स्टेट में जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को अच्छा नहीं कर रहे अपनी लाइफ के साथ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, जैसा आप सोचते हो, आप बोलते हो दूसरे इंसान के बारे में, वैसे ही सारी चीजें आप अपने जीवन में बुलाते हो। अगर मैंने किसी को कपटी बोला, मैंने किसी को धोखेबाज बोला, तो मैं वही सारी चीजें अपने जीवन में ला रहा हूं। इसलिए पहला एटीट्यूड हमारा था, देर आर नो बैड पीपल इन दिस वर्ल्ड, इट इज ओनली अनहेल्पफुल हैबिट्स। याद है आप लोगों को? याद है वो वाला एटीट्यूड? यस। तो जब जब आप दूसरे लोगों को लेबल लगाना चालू कर देते हो कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये कपटी है, ये चीटर है, ये सेल्फिश है, आप वो सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और इसलिए जो भी ग्रेटेस्ट माइंड और टीचर्स हैं, दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, उन्होंने बोला है, अगर सक्सेसफुल होना है तो ग्रेटफुल रहना सीखो। उनको मालूम था कि अगर आपको जीवन में बहुत कुछ चाहिए, भरपूर चाहिए, आप चाहते हो आपकी लाइफ में मैजिक इंक्रीज हो, तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। और आपको कैसा लगेगा कि हर एक इंसान जो आपके पास में है, जो आपको जानता है, वो आपको आई लव यू बोले, आपको कैसी फीलिंग आएगी? अगर आप चाहते हो कि हर एक इंसान आपसे प्यार करे, तो ग्रेटफुल होना सीख जाओ। टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर। इवन इफ ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स आर करंटली गुड, दे विल इंक्रीज विद मोर मैग्निफिसेंस थ्रू दिस प्रैक्टिस। एंड विद एवरीथिंग यू फाइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन ईच पर्सन, यू विल सी ग्रैटिट्यूड परफॉर्म इट्स ब्रेथ टेकिंग मैजिक, एंड योर रिलेशनशिप्स विल बी स्ट्रॉन्गर, मोर फुलफिलिंग एंड मोर एनरिचिंग than you ever thought they could be. So, आज की जो magical practice है, वो ये है कि आप
सब लोगों के लिए आज से ग्रेटफुल होने लग जाओगे। अगर आपके रिश्ते अच्छे भी हैं तो उसमें और रॉकेट लग जाएंगे, उसमें आपके जीवन में और अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। जो जो चीजें आप ढूंढोगे उस पर्सन के बारे में ग्रेटफुल होने के लिए, आप उसको ग्रैटिट्यूड दोगे, आप उसको कृतज्ञता दिखोगे दोगे, तो आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड एक मैजिक बन के और आएगा और आपके रिश्तों को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, बहुत मजबूत बनाएगा, बहुत अच्छी फीलिंग देगा आपको। Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose three relationships that are important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or both of you together. So, आज आपको अपने तीन रिश्ते चुनने हैं। हो सकता है आपकी बीवी हो, आपका बच्चा हो, आपके फादर हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, या आपकी बहन हो, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को, या अपनी दादी को, या अपने अंकल को चुनोगे। कोई भी तीन रिश्ते आपको चुनने हैं, आपको तीन रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उनको चुनोगे और उनके फोटोग्राफ लोगे। हो सकता है उस इंसान की, सपोज आपने अपनी मदर को चुना, तो हो सकता है आपकी मदर की अकेले की फोटोग्राफ हो या आपकी और आपकी मदर की साथ में फोटोग्राफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things that you are most grateful for about each person. What are the things you love most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with this person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. So, जब जब आप ये तीन रिश्ते चुन लेते हो, तो आप उनका फोटोग्राफ लेते हो, और जैसे ही आप उनका फोटोग्राफ लेते हो, तो आप एक जादूगर बन जाते हो, आप मैजिक लाना चालू कर देते हो। तो आप वो फोटो लेके सोचना उन चीजों के बारे में, उस इंसान के बारे में कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, आप उसके बारे में क्यों ग्रेटफुल हो, कौन सी चीज है जो आपको उसके उस इंसान के बारे में बेहद पसंद है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि आप ग्रेटफुल हो कि वो बहुत शांति प्रिय इंसान है, उसमें पेशेंस बहुत अच्छा है, वो आपकी बातें ढंग से सुनता है, उसका जो टैलेंट है वो दुनिया वैल्यू करती है, उसमें जो ताकत है वो कभी जज नहीं करता, उसका जो नॉलेज का लेवल है, उसका जो विजडम है, उसकी जो हंसी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसकी आंखें खूबसूरत हैं, उसके होंठ खूबसूरत हैं, उसकी स्माइल अच्छी है, वो एक साफ दिल का आदमी है, आपको उसके बारे में ग्रेटफुल होना है। आप उस इंसान के साथ ऐसी क्या चीजें करते हो जिससे आपको अच्छा लगने लग जाता है? तो आप ये सोच सकते हो कि उस इंसान ने आपके बारे में कब कब कैसे कैसे केयर करी। After you spend some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you with a pen and a notebook or on your computer, choose the five things you are most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of five things. Begin each sentence with the magic words. Thank you, address the person by the name and write what you are grateful for. Thank you, blank the name for what on the blank. So basically आपको क्या करना है कि जब आप फोटोग्राफ ले लोगे, आप उनके बारे में सोच लोगे, तो आपकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट डायरी है उसमें उसकी फोटोग्राफ को चिपकाना, स्टेपलर मत करना, ग्लू स्टिक से चिपकाना अच्छा लगता है, स्टेपलर उस डायरी पे अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्लू स्टिक से चिपका के उस इंसान के बारे में पांच चीजें लिखना, वो पांच चीजें जो आप उसके बारे में सचमुच फील करते हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, और आपका हर एक सेंटेंस मैजिक वर्ड से चालू होना चाहिए, और वो मैजिक वर्ड होता है थैंक यू। आप लिखोगे थैंक यू, किसका नाम लू, सपोज अक्षत अपनी वाइफ के लिए लिखता है तो अक्षर लिखेगा थैंक यू, क्या नाम है, निशी 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 निशी
Thank you, Nishi, for giving me sense of fulfillment. Thank you, Nishi. धन्यवाद निशी उस हंसी के लिए, उन खूबसूरत लम्हों के लिए जो मैंने तेरे साथ बिताए हैं. तो इसने एग्जाम्पल दिया है जॉन का. थैंक यू जॉन फॉर मेकिंग मी लाफ. थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज. कि माँ धन्यवाद, आपने मेरे को कॉलेज में सपोर्ट किया. रोंडा अपने हस्बैंड को बोल रही है थैंक यू जॉन कि आपने मेरे को हंसाया. When you finish your list for all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magical words, thank you, and the person's name, like thank you, Haley. ठीक है, तो सॉरी, वो फोटोग्राफ चिपकाना मत, मैंने आपको बोला था चिपकाने के लिए, आप चिपकाना मत. अगर दो फोटो है तो बहुत अच्छी, अगर चिपकाना चाहते हो तो चिपका देना, दूसरी फोटो अपने साथ पूरा दिन भर लेके घूमना. और जब भी आपको समय मिले आप उसको ऐसी जगह रखना जहां उसको बार बार देख सको. और जब भी आप उस फोटोग्राफ को देखोगे तो आपके दिल से वो मैजिक वर्ड थैंक यू निकलना चाहिए, और थैंक यू के बाद उसका नाम लिख लेना. अगर आपकी माँ की फोटोग्राफ है तो आप बोलोगे थैंक यू माँ. पापा की है तो थैंक यू पापा. वाइफ की है तो बोल देना थैंक यू श्रीमती. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in a bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. अगर आपका ट्रैवल का जॉब है, आप बहुत ट्रैवल करते हो, तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये फोटो आपको अपने जेब में लेके ट्रैवल करनी है और दिन में एटलीस्ट 3 बार देखनी है और ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. क्या है कि आप धीरे धीरे मैजिक को कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए. वो ये कह रही है कि ये जो प्रैक्टिस है ये आपको सारे दिन नहीं करने हैं, अगली 26 दिन नहीं करनी है, पर अगर आप चाहते हो तो आप इसको कंटिन्यू बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपको किसी रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से बदलना है और उस रिश्ते में मैजिक लाना है, तो अगर सही है तो आपकी मर्जी है. तो ये प्रैक्टिस को रोज नहीं करना, ये प्रैक्टिस आज की प्रैक्टिस है बुक के अकॉर्डिंगली, पर आप स्वतंत्र हो, आप इंडिपेंडेंट हो. अगर आप इसको अगले 25 दिन फॉलो करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप फटाफट बदल जाए और बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाए आपकी लाइफ की. थैंक यू थैंक यू थैंक यू अक्षित, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आज के जो मैजिकल प्रैक्टिस है वो यही है. सुबह को उठ के आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिख ली होंगी, उसमें वाई स्ट्रॉन्ग रखा होगा और हर ब्लेसिंग को पढ़ के आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला होगा. आपको अपने 3 सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स, सबसे क्लोज रिश्ते चुनने हैं और उस इंसान का फोटोग्राफ लेना है. आपको फोटोग्राफ अपने सामने रख के 5 सबसे अच्छी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो उस इंसान के बारे में, वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट डायरी में लिखनी है. और हर एक सेंटेंस आपका थैंक यू से चालू होगा, हर एक सेंटेंस आपका थैंक यू से चालू होगा, और उसके बाद आप उस इंसान का नाम लिखोगे. थैंक यू माँ, थैंक यू अक्षत फॉर वंडरफुल रीडिंग. और ये 3 फोटोग्राफ आज आप अपने साथ लेके घूमोगे या ऐसी जगह पे लगाओगे जहां आप उसको रेगुलर देख सकते हो. अगर आपका ट्रैवल ज्यादा होता है तो अपने जेब में रखना और दिन में एटलीस्ट 3 बार उस फोटोग्राफ को निकाल के देखना और मैजिक वर्ड थैंक यू बोलना. थैंक यू हेली एग्जाम्पल दे रही है. और रात को सोने से पहले मैजिक प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, मैजिक रॉक को अपने हाथों में पकड़ के जो भी बेस्ट चीज होती है उसके लिए थैंक यू बोलना है. थैंक यू सो मच.